हेलो दोस्तों, दृष्टिकोण प्रोडक्शन से मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज हम आफ्टर इफेक्ट्स में 3D डिस्को बॉल बनाना सीखेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह का इफेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट हम आज अचीव करने की कोशिश करेंगे। और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा था वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर अंकित देव ने बनाया है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद आया तो कंप्लीट ट्रैक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसका वीडियो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा हम इस सीन में देख सकते हैं कि 3D डिस्को वॉल रोटेट हो रही है, उसमें से लाइट रेज निकल रही हैं, पीछे वॉल पर उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम बनाएंगे विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल प्लगइन। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल समझ आने के बाद आप ये डिस्को बॉल बना सकते हैं और बहुत सारे इफेक्ट्स उससे आप बना सकते हैं जिसके अंदर लाइट रेज इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके न्यू कॉम्पोजिशन हम बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं डिस्को बॉल ट्यूटोरियल। मैं आपको पहले इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हम एक ब्लैंक टेक्स्ट लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट। इसको सेंटर में करते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के पैनल पे जाकर के CC रेडियल फास्ट ब्लर का इफेक्ट जो है ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये इफेक्ट अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट का जो आपका टेक्स्ट है ये हल्का सा ब्लर हो गया। अगर आप इसका अमाउंट ज़्यादा करते हैं तो ब्लरीनेस जो है ये बाहर रेज की तरह प्रोड्यूस होती है। बाई डिफ़ॉल्ट जूम की ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड पर रहती है। अगर हम इसे ब्राइटेस्ट पर क्लिक करें तो जो भी इमेज के ब्राइट पार्ट्स हैं ये वहाँ से लाइट रेज एमिट करता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके जो इसका सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे सेंटर आपको दिखाई देगा हैंडल, इसको आप इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। उस हिसाब से आपकी लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। लोगो रिवील के लिए बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए बस बेसिकली हमें कुछ नहीं करना। पहले मान लीजिए लेफ्ट साइड ले जा करके सेंटर को की कर देते हैं और कुछ फ्रेम्स के बाद राइट से ले जा करके इसको यहाँ पर की कर देते हैं। स्टॉप वॉच पर आप क्लिक करते हैं तो इससे की लगती है और मैं प्ले करता हूँ तो ये रेज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होती हुई नज़र आएंगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा 3D डिस्को बॉल बनने वाला है। ओके, फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब बॉल के ऊपर आपने जैसे देखा कि कुछ रेज निकल रही थी। मान लीजिए मैं एक बेसिक टेक्सचर लेता हूँ, इस तरह का पोल्का डॉट्स का टेक्सचर। अब इस इमेज के ऊपर अगर मैं CC रेडियल फास्ट ब्लर का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ और अमाउंट ज़्यादा करके स्टैंडर्ड को ब्राइटेस्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये रेज बन करके आ जाएंगी। बट ये करंटली मेरे किसी काम का नहीं है डिस्को बॉल के लिए, फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। पर प्रिंसिपल यही है कि इन सर्कल्स में से मुझे रेज एमिट करवानी है। CC रेडियल फास्ट ब्लर से पहले मैं CC स्फीयर नाम का एक इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं CC स्फीयर नाम का ये इफेक्ट अपनी पोल्का डॉट्स वाली इस इमेज पर ड्रॉप करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रॉप करते ही ये एक स्फेरिकल शेप में आ चुका है। ऑलरेडी ये डिस्को बॉल जैसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसका रेडियस थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्को बॉल का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप रोटेशन के पैनल के अंदर जाएंगे तो देखेंगे XY और Z तीनों डायरेक्शंस में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप वाई डायरेक्शन में इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी डिस्को ग्लोब रोटेट करने का, डिस्को बॉल रोटेट करने का इफेक्ट हमारे पास आ गया है। रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर स्टॉप वॉच पर क्लिक करके एक की लगा सकते हैं, कुछ फ्रेम्स के बाद रोटेट करके एक और की लगा सकते हैं। यू प्रेस करने पर आपको कीज नज़र आ जाएंगी तो आपका डिस्को ग्लोब यहाँ से ऐसे रोटेट करता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एक बार स्टॉप वॉच पर क्लिक करके सारी कीज डिलीट कर दीजिए। अब ऑल्ट प्रेस करके रोटेशन की स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं टाइम इनटू 20। उससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली एंडलेसली आपकी डिस्को बॉल रोटेट करती रहेगी, आपको कीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्पीड बढ़ाने जाते हैं तो 20 की वैल्यू को चेंज करके आप 50-100 बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पीड कम करना चाहें तो इस वैल्यू को कम कर सकते हैं, स्पीड आपकी उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास रोटेटिंग डिस्को बॉल आ गई है। अब
इस बॉल के ऊपर हम सीसी रेडियल फास्ट ब्लर लगाएंगे, ये इफेक्ट लगाते ही भाई हमारे पास थोड़ा सा ब्लरीनेस आ गई है। रेज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं और स्टैंडर्ड को चेंज करके ब्राइटेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास रेज एमिट होने का इफेक्ट आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बॉल अब दिखना बंद हो चुकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉपी लेंगे हमारी ओरिजिनल लेयर की और इस लेयर के ऊपर से सीसी रेडियल फास्ट ब्लर हम हटा देंगे, इफेक्ट ऑफ कर देंगे। तो अब बॉल हमें नज़र आ रही है और क्योंकि ऑलरेडी हमने एनिमेशन की हुई है तो उसकी कॉपी ली है, तो ओरिजिनल बॉल की तरह ये भी रोटेट कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारी जो नई बॉल हमने बनाई है बिना ब्लर की, ये ऊपर आ चुकी है, ओवरले कर रही है हमारे जो रेज वाले इफेक्ट है उसको। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को नीचे ले आएंगे ड्रैग करके। अब वो बिल्कुल दिखनी बंद हो चुकी है, तो जो हमारी डॉट्स की लेयर है इसको हम ब्लेंडिंग मोड में जा करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बॉल भी नज़र आ रही है और रेज भी नज़र आ रही हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है डिस्को बॉल बनाने का। बैकग्राउंड में जैसे कि आपने ओरिजिनल ट्यूटोरियल में देखा, यहाँ पे डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वॉल के ऊपर जो हैं रिफ्लेक्शन में हैं, इन डॉट्स को बनाने के लिए एक और कॉपी ले करके इसका नाम हम बीजी कर देते हैं। इस जो बीजी की लेयर जो है इसमें रेडियस थोड़ा सा हम स्फीयर का बड़ा कर देंगे ताकि पूरे स्क्रीन को कवर कर ले, और रेंडर में फुल की बजाय हम इसको इनसाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये स्फीयर के इनसाइड का लुक देगा, आपको लगेगा कि कमरे की वॉल का ये लुक इसके अंदर जो है आपको दिखाई देगा। अब हम इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, मान लीजिए 60 कर देते हैं, और फास्ट ब्लर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ। फास्ट ब्लर की वैल्यू थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, 10 के आसपास कर देते हैं ताकि थोड़ी ब्लरीनेस इसके अंदर आ जाए। ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर सकते हैं। अब क्योंकि कीज़ ऑलरेडी लगी हुई थी तो इसकी इस लेयर के ऊपर भी कीज़ आ जाएंगी, तो ये आपको इस तरह की लुक देगा जैसे कि मेन स्फीयर से जो रेज निकल रही हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन वॉल्स के ऊपर पड़ रही है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था इफेक्ट का। अच्छा, अब ये आपका सेटअप जैसे बन गया है तो अगर आप ये डॉट्स की जो हमने इमेज ली थी इसको आप रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए किसी और इमेज से, जैसे हमारे पास ये कैट्स की इमेज है हमारे पास, तो इस इमेज को मैं कॉल करवाता हूँ, डॉट्स को रिप्लेस करेंगे कैट्स से। और जैसे ही मैंने रिप्लेस किया आप देख रहे हैं सारे सीन के अंदर जो है रिप्लेसमेंट आ चुकी है, आपकी रिफ्लेक्शन में भी कैट्स आ रही हैं और लाइट भी कैट्स से इमिट हो रही है। इसी तरह से आप कोई और भी कर सकते हैं। हमारे हमने ये एक हार्ट्स का टेक्सचर मैंने बनाया हुआ है, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं हार्ट्स, तो ये हार्ट शेप में लाइट एमिट हो रही है, ये डिस्को ग्लोब आपका ऐसा बन गया और पीछे रिफ्लेक्शन भी आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वापस से अभी पोल्का डॉट्स पे आ जाते हैं। अब फ़र्क क्या है कि हमारा जो मेन सीन है उसके अंदर थोड़ी ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हमने डॉट्स की इमेज की बजाय ऑलरेडी डिस्को बॉल जैसा दिखने वाला ये पैटर्न इस्तेमाल किया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कलर मैंने चेंज किया है। तो इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल करके आप इस तरह की इमेज अचीव कर सकते हैं। बैकग्राउंड में मैंने मेन डॉट्स के साथ में यही फाइन डिटेल वाला टेक्सचर जो है इसको भी मूव किया हुआ है, तो वो आपको थोड़ा और टेक्सचर दे देता है बैकग्राउंड में। और स्पार्कल्स की लेयर जो है रेज की लेयर है, इनको 2-3 बार कॉपी किया जिससे कि थोड़ा सा और इंटेंसिटी उसमें नज़र आती है। एक बैकग्राउंड से रेज निकल रही हैं, एक ये ऊपर डबल लेयर मैंने रेज के लगा दी है। सो बेसिकली सिर्फ इफेक्ट की लेयर को 2-3 बार कॉपी किया हुआ है, तो उससे इस तरह का इफेक्ट जो है अचीव हो रहा है। तो हमने देखा कि सीसी रेडियल फास्ट ब्लर से आप किस तरह से डिस्को बॉल बना सकते हैं थोड़ी देर में। तो इसके इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। हम एक काम करते हैं कि न्यू कॉम्पोजिशन लेते हैं, इसका नाम रखते हैं लोगो एफएक्स। एक हमारे पास ये स्काईलाइन की इमेज है, इसे कॉल कर पाते हैं यहाँ पर। ये इमेज मैं बैकग्राउंड में ड्रॉप करता हूँ, ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ, कूल टेक्स्ट, और इसकी एक कॉपी लेता हूँ। और जो नीचे वाली लेयर है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाकर इस पर सीसी रेडियल फास्ट ब्लर अप्लाई करते हैं,
इस केस में मुझे ब्राइटेस्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी ये ठीक दिखाई दे रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आए, तो ब्राइटेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं और ओपेसिटी में जाके थोड़ी उसकी ओपेसिटी कम की जा सकती है। अब सीसी रेडियल फास्ट ब्लर पे क्लिक करके जो उसका सेंटर है इसे थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और लेफ़्ट ले जाते हैं। यहाँ पर आकर के सेंटर पे हम की लगा देते हैं और थोड़ा सा इसको एनिमेशन को प्ले करके राइट साइड पे सेंटर को ले जाते हैं और ऑटो की लग जाएगी। अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हुआ आपका रेज का इफेक्ट आ रहा है। जब इफेक्ट ख़त्म होता है तो ये रुक जाता है, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी में आकर के इसको बिल्कुल ओपेसिटी को 0 से 58 तक लेके आएंगे, ताकि ये लगे कि इफेक्ट इमर्ज हो रहा है। और ऐसे ही यू प्रेस करके हम देखते हैं दूसरी की कहाँ लगी है। यहाँ भी ख़त्म होने से पहले एनिमेशन हम ओपेसिटी को 58 से वापस 0 कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खाली टेक्स्ट है। वहाँ पर रेज आने शुरू हुई और रेज एमिट हुए ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप अपने लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना तो लाइट रेज के इस इफेक्ट से आप हाईलाइट कर सकते हैं। सीसी रेडियल फास्ट ब्लर इस इफेक्ट का नाम है, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट लोगो हाईलाइट करने के लिए, डिस्को बॉल बनाने के लिए। इसके इस्तेमाल लिमिटेड नहीं है, और भी इसके बहुत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी इमेज में से, उसके ब्राइट पार्ट्स से अगर आपको लाइट एमिट करनी है, डार्क पार्ट से रेज एमिट करनी है, तो आप सीसी रेडियल फास्ट ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला और ये आपके प्रोजेक्ट्स में आपको काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए दृष्टिकोण प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।